वेलकम बैक फ्रेंड्स। सो नाउ लेट्स, इट्स अ फाइनल वीक ऑफ मार्च। सो टुडे वी विल डिस्कस द न्यूली अपॉइंटमेंट पर्सन हियर। तो अब हम डिस्कस करेंगे न्यू अपॉइंटमेंट्स जो मार्च के लास्ट वीक में हुए हैं। जस्टिस प्रमोद कोहली अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, मतलब कि CAT, उसमें चेयरमैन की पोस्ट पर जस्टिस प्रमोद कोहली को अपॉइंट किया गया है। फाइन, हिज अपॉइंटमेंट वाज अप्रूव्ड बाय द अपॉइंटमेंट्स कमेटी, दैट मींस ACC, हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। मैंने आपको बताया था कि जो अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट होती है ACC, उसकी अध्यक्षता करते हैं प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, जस्टिस कोहली का जो टेन्योर है, टेन्योर ऑफ 5 ईयर्स विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट, ठीक है, जिस दिन से ये अपॉइंट हुए हैं उस दिन से लेकर 5 साल की डेट तक रहेंगे, और अथवा ये 68 साल की अवस्था पूरी कर लें, ये इस पोस्ट पर तब तक बने रहेंगे। फाइन, तो पोस्ट का क्या नाम है, चेयरमैन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, मतलब कि CAT। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स, फॉर्मर अलीबाबा होलसेल बिजनेस हेड भूषण पाटिल ज्वाइंस पेटीएम एज अ प्रेसिडेंट। देखिए, पहले अलीबाबा में ये काम कर चुके हैं, फॉर्मर अलीबाबा होलसेल बिजनेस हेड भूषण पाटिल इनका नाम था, और ये पहले अलीबाबा में हेड भी रह चुके हैं, इन्होंने पेटीएम को ज्वाइन कर लिया है। फाइन, और पेटीएम का क्या काम होता है, ये एक मोबाइल रिचार्ज करने वाली एक कंपनी है, जिसमें मोबाइल के थ्रू रिचार्ज कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, और अपने डिश टीवी वगैरह को रिचार्ज कर सकते हैं। फाइन, और एक दूसरे को मनी ट्रांसफर भी कर सकते हैं इस ऐप के थ्रू, और ये 197 कम्युनिकेशन का एक प्रोडक्ट है। मोबाइल पेटीएम एंड कॉमर्स प्लेटफॉर्म पेटीएम हैज अपॉइंटेड एक्स हेड ऑफ अलीबाबा ग्रुप्स होल्डिंग होलसेल बिजनेस मैन भूषण पाटिल एज अ कंपनीज न्यू प्रेसिडेंट। अब ये कंपनी के नए अध्यक्ष के तौर पर काम करेंगे। ओके, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट की बात करते हैं। सूर्या देवा को अपॉइंट किया गया है एज अ UN यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमिश्नर। ये हैं सूर्या देवा जी, और इनको अपॉइंट किया गया है यूनाइटेड नेशंस में ह्यूमन राइट्स कमिश्नर्स। ठीक है, ये इनकी पोस्ट है, और द काउंसिल हैज अप्रूव्ड हिज अपॉइंटमेंट टू द पोजीशन फॉर्मली नोन एज स्पेशल प्रोसीजर मैंडेट होल्डर। इस पोस्ट पर इनको अपॉइंट किया गया है। फाइन, विप्रो हैज अपॉइंटेड पैट्रिक डुपेस एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। विप्रो ये MNC कंपनी है, सॉफ्टवेयर में लीड करती है, सॉफ्टवेयर वगैरह बनाती है ये। आपको पता है टॉप कंपनी कौन सी है हमारे यहाँ, TCS है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। नंबर 2 पे आती है इन्फोसिस, और नंबर 3 पे फिर नंबर आता है विप्रो का। ठीक है, और विप्रो के जो CEO हैं, मतलब कि CEO फाउंडर यहाँ के, ठीक है, वो है अजीम प्रेम जी। ठीक है, तो विप्रो लिमिटेड हैज अनाउंस्ड पैट्रिक डुपेस एज इट्स न्यू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, ये जो इनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उसमें इनको अपॉइंट किया गया है। ही विल सर्व द कंपनी एज एन इंडिपेंडेंट मेंबर ऑन इट्स बोर्ड। द अपॉइंटमेंट विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2016। Earlier this month, Wipro also appointed technologist and venture capitalist Patrick J. Inyas as another independent director to its board. ठीक है, next बात करते हैं friends। जितेंद्र जगोटा को IDSA का chairman बना दिया गया है। ठीक है, appoint कर दिया गया है। IDSA है क्या, basically इसकी full form आप note कर लिए, Indian डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। ये फुल फॉर्म है इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, ये इसकी फुल फॉर्म है, और जितेंद्र जगोटा को इसका चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन IDSA हैज अनाउंस्ड जितेंद्र जगोटा एज द न्यू चेयरमैन ऑफ इट्स न्यू एग्जीक्यूटिव कमेटी एट द जनरल बॉडी मीटिंग हेल्ड इन दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स। राकेश मोहन ने ज्वाइन कर लिया है नेस्ले इंडिया बोर्ड को। नेस्ले आपको पता है ये दुग्ध उत्पादों में बहुत ज्यादा है, नेस्ले के पाउडर्स आते हैं, दूध के बने हुए काफी प्रोडक्ट आते हैं। ठीक है, नेस्ले की कॉफी आती है, बहुत सारे प्रोडक्ट नेस्ले के आते हैं।
तो राकेश मोहन जी ने नेस्ले इंडिया को ज्वाइन कर लिया है। नेस्ले इंडिया लिमिटेड हैज इन्फॉर्म्ड बीएसई दैट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द नॉमिनेशन एंड रिन्यूमरेशन कमेटी ऑन मार्च 28, 2016 अपॉइंटेड डॉक्टर राकेश मोहन एज एन इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द कंपनी विद इफेक्ट फ्रॉम द मई 1, 2016। ठीक है, और इनका कार्यकाल रहेगा जून 30, 2020 तक। नेक्स्ट बात करते हैं इंडो अमेरिकन, मतलब भारतीय मूल की अमेरिकी एज अ प्रेसिडेंट एंड सी ऑफ द बैंक ऑफ द बेस्ट। ठीक है, नंदिता बख्शी इनका नाम है और ये भारतीय मूल की अमेरिकी हैं, मतलब भारत में पैदा हुई हैं, रहती हैं भारत में लेकिन अभी अमेरिका में जाकर बस गई हैं, तो इंडो अमेरिकन इनको कहा जाएगा। इंडियन अमेरिकन हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ ऑफ बैंक ऑफ द बेस्ट। ठीक है, ये बैंक ऑफ द बेस्ट जो है इसके सीईओ नन्नीता बख्शी भारतीय अमेरिकी मूल की है और इनको बनाया गया है। बैंक ऑफ द बेस्ट इज द यूनिट ऑफ फ्रेंच बैंकिंग जाइंट बीएनपी परिवास। बीएनपी परिवास एक जो बैंकिंग बड़ी कंपनी है उसकी ही एक सब्सिडरी है, एक यूनिट है, तो आपको याद रखना है इनका नाम इंपॉर्टेंट है, नन्नीता बक्सी। नेक्स्ट बात करते हैं फॉस्टिन आर्चेंज टोडरा द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के जो नए प्रेसिडेंट है इनका क्या नाम है, मैं नोट कर दे रहा हूँ, फॉस्टिन आर्चेंज टाउ डेरा। ठीक है, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए। फाइन, फॉस्टिन आर्चेंज टोडोरा द न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक हैज टेकन द ऑथ ऑफ ऑफिस ओस्टरिंग इन द फर्स्ट इलेक्टेड लीडर सिंस मुस्लिम रिबेल्स ओवरथ्रू द गवर्नमेंट मोर देन 3 ईयर्स एगो। फाइन, नेक्स्ट बात करते हैं कुछ डिफेंस न्यूज की, कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट डिफेंस न्यूज है लास्ट वीक की, वो हम डिस्कस करते हैं। रिलायंस डिफेंस इजराइल्स राफेल टू सेटअप मिसाइल एयर डिफेंस जेबी। मतलब ये है कि अनिल अंबानी की जो रिलायंस डिफेंस है उसने एक टाइप किया है इन द पैक्ट विद इजराइल की राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम के साथ में। ठीक है, और ये जो है कुछ मिसाइल्स डेवलप्ड होंगी दैट विल ओवरसीज प्रोजेक्ट्स वर्थ रुपीज 10 बिलियन, मतलब 65,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है और अगले 10 सालों में ये कमीशन होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि रिलायंस डिफेंस ने किस फॉरेन कंपनी के साथ में करार किया है, ये हुआ है इजराइल राफेल के साथ में। ठीक है, मनोहर परिकर अनवेल्स डिफेंस प्रोक्यूरमेंट प्रोसीजर सेज बिल बूस्ट मेक इन इंडिया पॉलिसी। आपको पता है ये है मनोहर परिकर और ये है भारत के डिफेंस मिनिस्टर, मतलब कि रक्षा मंत्री मनोहर परिकर, रक्षा मंत्री भारत के डिफेंस मिनिस्टर मनोहर परिकर अनवेल्ड द मच अवेटेड डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर सेइंग इट विल इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड स्पीड इन एक्विजिशन प्रोसेस एंड बूस्ट द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव टू रिड्यूस द डिपेंडेंसीज ऑन एक्सपोर्ट। ये सिस्टम को ट्रांसपेरेंस बनाने के लिए इन्होंने एक डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर अपनाया है और जिसके अंतर्गत क्या होगा, मेक इन इंडिया पॉलिसी में बूस्टअप भी आएगा और सिस्टम जो है वो ट्रांसपेरेंट भी बनेगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं मध्य प्रदेश टू गेट इट्स फर्स्ट आईटीबीपी मॉडर्न बीपन ट्रेनिंग सेंटर। पहला आईटीबीपी मॉडर्न बीपन ट्रेनिंग सेंटर जो है मध्य प्रदेश में ओपन होने वाला है। आपको पता होगा आईटीबीपी क्या है, ये इंडो टैबेटियन बॉर्डर पुलिस है। मध्य प्रदेश इज गोइंग टू हैव फर्स्ट इंडो टैबेटियन बॉर्डर फोर्सेस। ठीक है, इंडो टैबेटियन बॉर्डर पुलिस बीपन ट्रेनिंग सेंटर इन बतियागढ़ दमोह, यहां पर ये ओपन हो रहा है, तो आपको बस यही यहां से पिक करना है और नोट डाउन कर लेना है। फाइन, नेक्स्ट बात करते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड वेसल अर्नबेस कमीशन। देखिए, कोस्टल की बात आती है तो जो समुद्र में भारत की एक तरह से जो तट रक्षक होते हैं उनको हम कोस्ट गार्ड कहते हैं। ठीक है,
तो न्यूज ये है, द फास्ट पेट्रोल वेसल एफपीबी इंडियन कोस्ट गार्ड आईसीजीएस अर्न बेस वाज कमीशन एट विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश. आंध्र प्रदेश में इसको कमीशन किया गया. द वेसल वाज कमीशन बाय द फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ द ईस्टर्न नेवल कमांड वाइस एडमिरल एच सी एस बिस्ट. इनके द्वारा ये कमीशन हुआ है. फाइन. नेक्स्ट बात करते हैं, गवर्नमेंट क्लियर्स न्यू डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी. गवर्नमेंट ने नई डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी इशू कर ली. आपको पता होना चाहिए सिस्टम को और ज्यादा ट्रांसपेरेंट करने के लिए. इसका अप्रूवल भी गवर्नमेंट ने दे दिया है. ठीक है. रिकमेंडेशन किसने दिया था कि रक्षा मंत्री ने कहा था कि एक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी होनी चाहिए रक्षा में, डिफेंस में, उसको गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया है. फाइन. परिकर फ्लैग ऑफ फर्स्ट इंडिजिनियस सोनार डोम. देखिए, पहला इंडिजिनियस सोनार ड्रोम को परिकर ने इसका इनॉग्रेशन किया है. इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस कंपोजिट सोनार डोम अ शिप्स अंडर वाटर आईज एंड ईयर्स वाज टुडे फ्लैग्ड ऑफ बाय द डिफेंस मिनिस्टर मनोहर परिकर. तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि पहला इंडिजिनियस जो अभी मनोहर परिकर ने इनॉग्रेट किया है उसका नाम क्या है. वो है सोनार डोम. ठीक है. और ये डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया था. ठीक है. इसको किसने प्रोड्यूस किया है, डीआरडीओ ने, जिसके फुल फॉर्म है डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन. ये आप नोट कर लीजिएगा. फाइन. तो ये है मनोहर परिकर जी जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर मतलब रक्षा मंत्री हैं. राइट नाउ फ्रेंड्स, सम इंटरनेशनल न्यूज हियर ऑफ द लास्ट वीक ऑफ मार्च. टेक महिंद्रा एक्सपेंड्स इस प्रेजेंस इन फ्रांस. टेक महिंद्रा ने क्या किया है, अपनी प्रेजेंस को फ्रांस में दिखाया है. तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि अभी कौन सी जो आईटी जाइंट कंपनी है जिसका अभी एक यूनिट जो है उसने एक डेवलपमेंट सेंटर जो है फ्रांस में अनाउंस करने का घोषणा की है. तो वो की है टेक महिंद्रा ने. ठीक है. अनाउंस द लॉन्च ऑफ अ डेवलपमेंट सेंटर इन टाउलूज फ्रांस, फ्रांस में. ठीक है. ये बहुत ही एक सिग्निफिकेंस माइलस्टोन है इस ऑर्गेनाइजेशन का इन द टर्म्स ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो टेक महिंद्रा का ये बहुत ही सेंसिटिव रोल है. ठीक है. ईरान साइंस ऑयल कॉन्ट्रैक्ट विद फ्रांस. ईरान ने साइन किया है ऑयल कॉन्ट्रैक्ट के लिए किसके साथ में, फ्रांस. ईरान साइंड अ कॉन्फिडेंशियल ऑयल एग्रीमेंट विद फ्रांस टोटल टू डेवलप द साउथ अजदगन ऑयल फील्ड शेयर्ड बाय द ईरान एंड इराक. ईरान ऑयल मिनिस्टर बिजेंद्र नामदार जंगेन सेड. इन्होंने ये कहा था. ठीक है. तो ये टोटल जो कंपनी है उसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ईरान का. ठीक है. तो ये इंटरनेशनल अफेयर्स की इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये आपको पता होनी चाहिए. और ये टोटल जो कंपनी है ये कहाँ की कंपनी है, ये है फ्रांस की. ठीक है. नेक्स्ट बात करते हैं, ग्लोबल इंटरनेट स्पीड इंक्रीजेस इंडिया लोएस्ट इन एशिया पैसिफिक. द ग्लोबल एवरेज इंटरनेट कनेक्शन स्पीड इंक्रीज 23% टू 5.6 Mbps इन द क्वार्टर एंडेड दिसंबर 2015 कंपेयर टू द सेम पीरियड ऑफ 2014. ठीक है. तो आपको याद क्या रखना है, ये एक हेडिंग जो है ये अंडरलाइन में कर रहा हूँ, इसको आप मार्क कर लीजिएगा. ग्लोबल इंटरनेट स्पीड इंक्रीजेस इंडिया लोएस्ट इन एशिया स्पेसिफिक. ठीक है. और स्वीडन जो है उसने सेकेंड स्पॉट मिला है एन एवरेज स्पीड ऑफ 19.1 Mbps. और नॉर्वे को 18.8 Mbps मिला है. इंडिया का 114 पोजीशन है, एवरेज है 2.8 Mbps. ठीक है. ये हमारी स्पीड है इसके हिसाब से हमें, फिर भी हमारी ग्लोबल जो इंटरनेट स्पीड है वो इंक्रीज हुई है. पहले हमारी 2.8 नहीं थी. नेपाल बिकम्स शंघाई डायलॉग्स पार्टनर. नेपाल जो है वो शंघाई डायलॉग पार्टनर बन गया है. क्यों, आफ्टर अ लॉन्ग वेट नेपाल हैज ऑफिशियली बिकम अ डायलॉग पार्टनर ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन विद द साइनिंग ऑफ अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग. एक MOU साइंड हुआ है चाइना के साथ में नेपाल का, और जिससे ये शंघाई डायलॉग पार्टनर बन गया है. ओके. नेक्स्ट बात करते हैं, यूनिसेफ ने लॉन्च किया है यूनिफेरी टेल्स. अनफेरी टेल्स के नाम से एक रिफ्यूजीज एंड माइग्रेंट चिल्ड्रंस के लिए. ठीक है. जो रिफ्यूजीज हैं और जो माइग्रेंट चिल्ड्रंस हैं एक देश से दूसरे बॉर्डर से आए हुए हैं
उन लोगों के लिए ये लॉन्च प्रोग्राम लॉन्च हुआ है जिसका नाम है अनफेरी टेल्स। फाइन, तो आपको पता होगा यूनिसेफ ये चिल्ड्रंस के वेलफेयर के लिए काम करती है, यूनाइटेड नेशंस की एक पार्ट है। लॉन्च्ड अ सीरीज ऑफ एनिमेटेड फिल्म्स टू हेल्प फ्रेम पॉजिटिव परसेप्शंस टुवर्ड्स द टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ चिल्ड्रंस एंड यंग पीपल ऑफ द मूव ग्लोबली कॉल्ड अनफेरी टेल्स। द थ्री एनिमेशंस ट्रू स्टोरीज ऑफ द फ्लाइट ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट एक्सप्लेन द हॉरर बिहाइंड व्हाई दे फेल। ठीक है, तो टेल्स का मतलब क्या होता है, एक तरह की कहानियां स्टोरीज होती हैं और ये यूनिसेफ के द्वारा लॉन्च की गई हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि अनफेरी टेल्स जो है वो रिफ्यूजीज एंड माइग्रेंट चिल्ड्रंस के लिए हैं, ये किसने लॉन्च की, तो ये लॉन्च की गई हैं यूनिसेफ के द्वारा। ओके, नेक्स्ट इज फ्रेंड्स, वर्ल्ड बैंक अप्रूव्स $100 million इन फाइनेंसिंग टू क्रिएट 1 lakh जॉब्स फॉर जॉर्डियंस। ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने $100 million का जो फाइनेंस है, इतना लोन है, ये लगभग 1 lakh जॉब जो है क्रिएट करने के लिए जॉर्डियंस के लोगों के लिए ये अप्रूव किया है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि अभी वर्ल्ड बैंक ने 1 lakh जॉब जो है किस कंट्री में क्रिएट होने वाली है और उसके लिए $100 million का जो है फाइनेंस दिया है, वो किसके लिए दिया है, जॉर्डन्स के लिए। ठीक है, द लॉन्ग टर्म लोन ऑलमोस्ट इंटरेस्ट फ्री बाय द वर्ल्ड बैंक $100 million, ठीक है, टू जॉर्डन फॉर जॉब क्रिएशन कम्स आफ्टर लेबनान वाज आल्सो अवार्डेड $100 million टू एंश्योर यूनिवर्सल स्कूल इनरोलमेंट फॉर द लेबनीज एंड सीरियन रिफ्यूजी चिल्ड्रन बाय 2017 तक ये होगा। नेक्स्ट इज सिंगापुर कॉर्बेट टेस्ट फायर्स बैरक मिसाइल। सिंगापुर ने अभी एक मिसाइल फायर की है, ठीक है, तो उसका नाम है बैरक मिसाइल, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज यूएस म्यूजियम रिटर्न्स 100th century रामा स्टैचू टू कंबोडिया। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएस के म्यूजियम में 10th century है रामा स्टैचू टू द कंबोडिया की। ठीक है, तो यूनाइटेड स्टेट्स ने रिटर्न कर दिया है एन एशियंट डेकेपिएटेड स्टैचू ऑफ हिंदू गॉड रामा स्टोलेन फ्रॉम कंबोडिया ड्यूरिंग द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज सिविल वॉर इन 70s। ठीक है, जो ये सिविल वॉर हुए थे 70 के दशक में, उस टाइम पर लॉर्ड राम की एक मूर्ति जो है वो चोरी हो गई थी और इसमें यूएस के म्यूजियम में ये रखी गई थी और ये 10th century रामा स्टैचू है जो इन्होंने वापस कर दी है। ठीक है, द सैंड स्टोन टोर्सो ऑफ रामा स्टैचू विच स्टैंड्स 157 centimeters टॉल एंड इज मिसिंग इट्स हेड, और इनका सिर जो है वो टूटा हुआ है, मिसिंग है। आर्म्स एंड फीट वॉज फॉर्मली हैंडेड ओवर, आर्म्स और फीट जो है वो फॉर्मली हैंडेड ओवर हो चुके हैं एट अ सेरेमनी इन फॉर्म पेना अटेंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफिशियल। ठीक है, तो ये न्यूज आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट इज इंडिया सेंड्स फर्स्ट एवर डायरेक्ट बॉक्स वेसल टू बांग्लादेश। बांग्लादेश के लिए पहली बॉक्स वेसल मतलब कि एक बड़ी सी बोट भेजी गई है भारत के द्वारा, द फर्स्ट डायरेक्ट कंटेनर वेसल बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश हैव बीन सेंड फ्रॉम कृष्णपट्टम पोर्ट। कृष्णपट्टम पोर्ट से ये भेजा गया। द कंटेनर वेसल वॉज कैरिंग कॉटन सेट, इसके अंदर कॉटन भरा हुआ है। दिस शिप इज अ पार्ट ऑफ कोस्टल शिपिंग एग्रीमेंट बिटवीन द टू कंट्रीज दैट मीन्स इंडिया एंड बांग्लादेश। ठीक है, भारत और बांग्लादेश के बीच में एक एग्रीमेंट है जो कंटेनर एग्रीमेंट आता है कोस्टल गार्ड के अंतर्गत में, और इसमें कॉटन सेट्स हैं और ये डायरेक्ट बॉक्स वेसल जो है वो बांग्लादेश रवाना हो गया है। फाइन, नेक्स्ट इज चाइना लॉन्चेस फर्स्ट साइबर सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन। चाइना ने पहला साइबर सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च कर दिया है और ये बेसिकली क्या काम करेगा, चाइना हैज लॉन्च फर्स्ट साइबर सिक्योरिटी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन। इसका क्या एम है, एट बेटर सेफ गार्डिंग नेशनल साइबर सिक्योरिटी, देश में जो इंटरनेट सिक्योरिटी है उसको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करना और उसको सेफ रखना, एंड गाइडिंग इंटरनेट कंपनीज इन परफॉर्म देयर ड्यूटीज,
और जो भी इंटरनेट कंपनीज हैं उनको उनकी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए बताना। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, 30 मार्च को नेशनल डॉक्टर डे सेलिब्रेट किया गया, ये आप याद कर लीजिएगा। और ये इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट के ऊपर मैं वीडियोज भी बना रहा हूँ और वहां से आप इसको देख सकते हैं। वैसे अब डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि नेशनल डॉक्टर्स डे किस दिन मनाया जाता है, ठीक है? तो ये है नेशनल डॉक्टर्स डे मार्च 30, ऑनर फॉर योर डॉक्टर, अपने डॉक्टर के सम्मान के लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। बर्ड ट्यूबरकुलियस डे 24 मार्च, ठीक है, बर्ड ट्यूबरकुलियस डे मनाया जाता है 24 मार्च को, तो ये भी आपको नोट डाउन करना है। पल्लवी फौजदार बिकम्स फर्स्ट सोलो वुमेन टू राइड अक्रॉस मानापास, ठीक है, पल्लवी फौजदार जो हैं वो पहली महिला बन गई हैं जिन्होंने मानापास को चढ़ाई की है, ठीक है। आगरा बाइकर पल्लवी फौजदार बिकम्स द फर्स्ट सोलो वुमेन टू राइड अक्रॉस द मानापास इन उत्तराखंड एंड मेड अ रिकॉर्ड इन लिम्का बुक, लिम्का बुक में इन्होंने रिकॉर्ड भी मेंशन कर लिया है। इनका आपको याद नाम याद रखना है, इनका नाम क्या है, पल्लवी फौजदार, ठीक है। माना राइजेस टू स्टैगरिंग द एटीट्यूड ऑफ द 5638 मीटर अबव सी लेवल ऑन द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड टाइबेट एंड रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट बाइकिंग ट्रेल्स, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है यहां पर बाइक चलाना, लेकिन इन्होंने ऐसा कर दिखाया। नेक्स्ट फ्रेंड, सम बैंकिंग एंड इकोनॉमी न्यूज हियर, कुछ बैंकिंग की बात की जाए यहां पर। गवर्नमेंट प्लान्स टू इन्फ्यूज रुपीज 5050 करोड़ इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक्स, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक्स हैं, ऐसी बैंक्स जिसमें गवर्नमेंट का स्टेक होता है उनको हम कहते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स, जो सेंट्रलाइज होती हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत, ठीक है, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा है, आंध्रा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल, ठीक है, अलाहाबाद बैंक सिंडिकेट, ये सारी बैंकों में गवर्नमेंट क्या है 5000 करोड़ रुपए अप्रॉक्स इन्फ्यूज करने वाले। इन्फ्यूज का मतलब, इन्फ्यूज देखिए कि इकोनॉमिक की टर्म है, इन्फ्यूज का मतलब होता है मैं कहूं कि आई इन्फ्यूज सम अमाउंट इन अ कंपनी, मतलब कि मैंने कुछ अमाउंट जो है वो कंपनी में लगाया, उसको इन्फ्यूज कहते हैं, ठीक है। तो कुछ टाइम ये आपको न्यूज इंग्लिश न्यूज पेपर्स वगैरह में इकोनॉमी के सेट में इन्फ्यूज टर्म्स मिलता होगा, ठीक है। पब्लिक सेक्टर यूनिट अंडरटेकिंग्स की बात की जाए, पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन इंडिया, पब्लिक सेक्टर बैंक्स PSBs आर द बैंक्स वेयर अ मेजॉरिटी स्टेक इज 50%, मोर देन 50% इज हेल्ड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का 50% से ज्यादा का हेल्ड हो तो वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग आ जाती है, ठीक है। द शेयर्स ऑफ दीज बैंक्स आर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, दीज आर द टोटल 27, अभी 27 PSBs हैं भारत में, जिसमें 19 नेशनलाइज बैंक है और 6 जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ग्रुप्स हैं, ठीक है, मतलब एक स्टेट बैंक है और 5 एसोसिएट हैं, उसके बाद IDBI है और भारतीय महिला बैंक है BMB, तो टोटल कितनी हो गई PSB 27। तो कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट ये आ जाता है कि कितनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक्स हैं भारत में, PSB पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, तो वो हैं 27। कैसे 27, 19 तो हो गई नेशनलाइज, 6 स्टेट बैंक की आ जाती हैं, मतलब कि एक SBI हो गई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ त्रिवेणकोर, स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, ठीक है, इस तरीके से ये बैंक्स हैं, तो ये 5 एसोसिएट बैंक्स हैं। फेडरल बैंक टू ओपन स्टार्टअप इनक्यूबेशन सेंटर्स, फेडरल बैंक एक ओपन स्टार्टअप इनक्यूबेशन सेंटर ओपन करने जा रही है। फेडरल बैंक इज ऑल सेट टू ओपन इट्स सेंटर फॉर द स्टार्टअप्स इन बेंगलोर एंड अर्नाबुकलम, these branches will offer advices on capital regularity supports regularity suppose support and even disburse funds in these specialized loans, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा अगर हम बात करें फेडरल बैंक की, तो ये MD मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, ये है श्याम श्रीनिवासन जी, श्याम श्रीनिवासन SSS। हेडक्वार्टर कहां पर है, कोची केरला में है, और इसकी ब्रांचेस कितनी है, 1251 है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं रुपए से रिलेटेड, रुपए क्या है, जैसे रुपए आपको पता है पहले मैस्ट्रो कार्ड आते थे, उसी तरीके से अब रुपए कार्ड आते हैं, तो जो आपके प्लास्टिक डेबिट कार्ड होते हैं उनके टाइप्स होते हैं, रुपए कार्ड है या ये मैस्ट्रो कार्ड है, कौन सा टाइप है, वीजा है कार्ड, तो रुपए भी एक टाइप का कार्ड होता है। रुपए टू लॉन्च इट्स क्रेडिट कार्ड इन सितंबर दिस ईयर, इस साल सितंबर में ये अपने क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने जा रहा है, ठीक है। रुपए जो है
मैं आपको एक चीज बता दूं, ये एनपीसीआई, ठीक है, एनपीसीआई का ही ये मेंचर है, ठीक है। रुपे इज द डोमेस्टिक कार्ड पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर विल बी वेंचरिंग इनटू द क्रेडिट कार्ड स्पेस दिस सितंबर आफ्टर इंक्रीजिंग इट्स मार्केट शेयर टू 38% इन द डेबिट कार्ड सेगमेंट, ठीक है। ये एनपीसीआई क्या है, एनपीसीआई कंपनी के ही अंतर्गत ये रुपे कार्ड आता है। एनपीसीआई ने प्लान किया है कि वो 1,00,000 ऐसे कार्ड्स बनाएगा, पहले साल में लॉन्च करेगा। रुपे जो है ब्रांड ऑन्ड एंड डेवलप्ड बाय द एनपीसीआई 2012 टू कम्पीट अगेंस्ट ग्लोबल पेमेंट स्कीम। एक ये नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये आती है, ठीक है, जैसे कि वीजा और मास्टर कार्ड है। एनपीसीआई वॉज प्रमोटेड बाय 10 इंडियन बैंक, 10 भारतीय बैंक इसमें एनपीसीआई के कार्ड की सर्विसेज को यूज कर रही हैं। एनपीसीआई की फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और चीफ कौन है, ये है एनपीसीआई के दिलीप एसबे, ठीक है, तो इनका नाम है दिलीप एसबे, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। एनपीसीआई की फुल फॉर्म यहाँ पर है, यहाँ पर इसके चीफ है, और ये जो है सितंबर में अपने क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने जा रही है। नेक्स्ट इज साउथ इंडियन बैंक गेट्स आईएसओ 9001:2008 सर्टिफिकेशन, 9001:2000 सर्टिफाइड। आपने लिखा हुआ देखा होगा कि कॉर्नर पर लिखा होता है आईएसओ 9001:2008 सर्टिफिकेशन, तो ये साउथ इंडियन बैंक को मिलने वाला है, ठीक है, केवल इतना ही आपको याद करना है। और ये किसने अनाउंस किया है, द अनाउंसमेंट हैज बीन मेड बाय द एमडी एंड सीईओ ऑफ साउथ इंडियन बैंक मिस्टर वीजी मैथ्यू, ठीक है, ये इन्होंने अनाउंस किया है कि इनको मिलने वाला है। एमडी एंड सीईओ कौन है साउथ इंडियन बैंक के, ये हैं बीजी मैथ्यू, हेडक्वार्टर केरला में है, और ये 1929 में फाउंड हुआ था, ठीक है, साउथ इंडियन बैंक एसआईबी। नेक्स्ट बात करते हैं बजाज फाइनेंस की, तो इसने अभी केयर फाइनेंसिंग सेगमेंट्स में अभी एंटर किया है। शेयर्स ऑफ बजाज फाइनेंस बेंट आउट बाय बेंट अप बाय द नियरली 4% टूडे एज पर द कंपनी इज एंटरिंग द रुपीज 20,000 करोड़ लाइफ केयर सेगमेंट्स, ठीक है, तो बजाज फाइनेंस जो है वो अब लाइफ केयर फाइनेंसिंग सेगमेंट्स में भी डील करेगा, तो ये याद रखना है आपको। चेयरमैन कौन है बजाज फाइनेंस के, ये हैं श्री राहुल बजाज, ठीक है। आईटीसी हैज एक्वायर्ड टेक्निको एग्री साइंस लिमिटेड फॉर रुपीज 121 करोड़, आईटीसी लिमिटेड ने क्या किया है, टेक्नो एग्री साइंसेस लिमिटेड को एक्वायर कर लिया है, कितने में, 121 करोड़ रुपए में, ठीक है, यही न्यूज इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आईटीसी के हेड कौन है, ये हैं योगेश चंद्र जी, ये हेड है, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो कोलकाता में है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, हीरो साइकिल ने एक्वायर किया है 60% इन श्रीलंका बीएसएच वेंचर्स, ठीक है, श्रीलंका के बीएसएच को 60% उसके स्टैक्स हैं, उनको एक्वायर कर लिया है किसने, हीरो साइकिल्स ने, ओके। तो हीरो साइकिल जो है वो भारत की सबसे बड़ी सबसे ज्यादा बिकने वाली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और इसने 60% स्टेक इन वन श्रीलंकाज लैंडिंग बाइसिकल मैन्युफैक्चरर बीएसएच कंपनी के टेक ओवर कर लिए हैं, ठीक है। बात करते हैं थोड़ी और इसकी, इंडिया इज थर्ड मेजर एक्विजिशन विद 6 months, द एक्विजिशन कम्स to strengthen the global presence and spruce up its manufacturing proficiency to feed a rapidly rising global demand, ठीक है, तो ये है लोगो हीरो साइकिल का, और ये है इसके सीएमडी जिनका नाम है पंकज मुंजल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और 1956 में इसको डिस्कवर किया गया था, ठीक है, हीरो को, हीरो साइकिल। बात करते हैं कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की न्यूज के बारे में, इसरो ने क्या किया है, एक एस्टेब्लिश किया है गिरी रडार सिस्टम आंध्र प्रदेश में, तो सबसे जरूरी चीज है कि इसरो की फुल फॉर्म क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और इसरो के चेयरमैन कौन है, ये हैं किरण कुमार, सबसे पहले आप पेन से नोट कर लीजिए किरण कुमार, ये है इसरो के चेयरमैन, ठीक है।
और इसरो ने एक GIRI गिरी रडार जो है वो आंध्र प्रदेश में इस्टेब्लिश किया है। ठीक है, अब गिरी की फुल फॉर्म की बात करते हैं, गांडन की आइनोस्फेरिक रडार इंटरफॉर्मेटर। ठीक है, ये है GIRI की फुल फॉर्म। गिरी हैज बीन सेट अप द एट द नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लेबोरेटरी NARL में नियर तिरुपति इन आंध्र प्रदेश बाय द इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, केवल इतना आपको याद रखना है यहां से। नेक्स्ट बात करते हैं, इसरो की ही न्यूज है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की न्यूज है। टू लॉन्च 22 सैटेलाइट्स इन सिंगल मिशन, एक ही मिशन में 22 सैटेलाइट लॉन्च की जाएंगी इसरो के द्वारा। द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो टू सेटअप स्क्रिप्ट हिस्ट्री बाय लॉन्चिंग अ रिकॉर्ड नंबर ऑफ 22 सैटेलाइट इन अ सिंगल मिशन इन मई 2016 में। ठीक है, और ये होगा कहां से मिशन, ये होगा सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा में जो बना हुआ है, वहां से ये परीक्षण किया जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स, पीएम मोदी एंड बेल्जियन प्राइम मिनिस्टर चार्ल्स माइकल लॉन्चेस एशियाज बिगेस्ट टेलीस्कोप, मतलब कि एशिया की सबसे बड़ी टेलीस्कोप उसको लॉन्च किया है किसने, पीएम मोदी और बेल्जियन प्राइम मिनिस्टर ने। ठीक है, तो कुछ बात करते हैं इसमें डिटेल में। टुडे एशियाज बिगेस्ट टेलीस्कोप हैज बीन लॉन्च्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड बेल्जियन प्राइम मिनिस्टर चार्ल्स मिकेल। तो ये है बेल्जियन, बेल्जियम नहीं इसको पढ़ना है, बेल्जियन। ठीक है, बेल्जियन के ये कौन है, प्राइम मिनिस्टर है। दिस इज बिल्ट बाय द आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ द ऑब्जर्वेशनल साइंसेस अराइज के द्वारा ये बनाई गई है। ठीक है, और ये है प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री। कुछ बात करते हैं स्पोर्ट्स न्यूज की। यहां पर ऑस्ट्रेलिया शेन वॉटसन टू रिटायर फ्रॉम इंटरनेशनल आफ्टर वर्ल्ड T20, जो वर्ल्ड T20 है उससे अब ऑस्ट्रेलिया के बहुत ही महान खिलाड़ी हैं शेन वॉटसन, इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है और ये 34 साल की अवस्था तक क्रिकेट खेलते रहे। किस देश के लिए क्रिकेट खेलते हैं, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, विराट कोहली राइजेस टू द टॉप इन आईसीसी T20 रैंकिंग। जब T20 वर्ल्ड कप चल रहा था उस दौरान आईसीसी की जो T20 टॉप रैंकिंग्स है उसमें विराट कोहली ने काफी रन बनाए थे, इसलिए इनको प्रथम स्थान मतलब फर्स्ट रैंक मिल गई थी। ठीक है, विराट कोहली भारत के लिए खेलते हैं, और विराट कोहली से एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बताना चाहूंगा, जो T20 वर्ल्ड कप था उसमें मैन ऑफ द टूर्नामेंट वो दिया गया था विराट कोहली को, और विराट कोहली टेस्ट मैच में भारत की तरफ से कप्तानी भी करते हैं, कैप्टेंसी। फाइन, सर्जे कैरजेकिन वॉन 2016 वर्ल्ड चेस कैंडिडेट टूर्नामेंट। ठीक है, ये हैं कौन, जिनका नाम है सर्जे कैरजेकिन। ठीक है, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, कैरजेकिन। इन्होंने 2016 वर्ल्ड चेस कैंडिडेट टूर्नामेंट्स को जीत लिया है। ठीक है, द 26 इयर्स ओल्ड हैज क्वालिफाइड टू चैलेंज नॉर्वेगियन सर्जे कैरजेकिन मैग्नस कॉल्सन फॉर द वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप आफ्टर ही पुल्ड ऑफ ब्रिलियंट रॉक सेक्रीफाइस टू बीट हिज क्लोजेस्ट रिवल अमेरिकन फैबियो कैब्रियोना। ये इनके जो साथ में खेल रहे थे वो थे अमेरिका के फैबियानो कैरियोना, इनको इन्होंने हरा दिया। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेंड्स, सम अवार्ड्स एंड प्राइजेस हियर, कुछ अवार्ड्स और प्राइजेस की बात की जाए। INB मिनिस्टर गिव्स अवे 5th नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड्स। ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने क्या करा है, 5वां नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड्स जो है वो दिया है। तो कुछ बात करते हैं इसके बारे में डिटेल में। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, इसको हम बोलते हैं INB मिनिस्ट्री। ये कौन है, ये है अरुण जेटली जी। अरुण जेटली जी गिव्स अवे 5th नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड्स, 5वें इन्होंने नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड्स दिए हैं। एड्रेसिंग द इवेंट यूनियन मिनिस्टर जेटली सेड आवर इंप्रेशन ऑन द पर्सनालिटीज एंड हिस्टोरिकल इवेंट्स आर बेस्ड ऑन विजुअल्स एंड गुड फोटोग्राफ एज अ
इनडेफिनेट लाइफ, बहुत अच्छा फोटोग्राफ जो है उसको अप्रिशिएट करते हुए इन्होंने 5वें नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड्स का इनोग्रेशन किया और ये प्रोवाइड किए। ठीक है, पी सुशीला मोहन एंटर्स इनटू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। ये हैं पी सुशीला मोहन और इन्होंने बर्ड गिनीज रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया। ये प्लेबैक सिंगर हैं और इन्होंने रिकॉग्नाइज कराया है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में। क्यों? क्योंकि सिंगिंग द मोस्ट नंबर ऑफ सॉन्ग्स इन द इंडियन लैंग्वेज, भारतीय भाषा में सबसे ज्यादा सॉन्ग्स इन्होंने गाए हैं, इसलिए इनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेंशन किया गया है। इनका नाम क्या है? सुशीला मोहन। फाइन, तो इनका नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये और याद कर लीजिएगा। पद्म अवार्ड्स हैज बीन प्रेजेंटेड बाय द प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी के ज्यादा पद्म अवार्ड्स दिए गए और एक मैंने वीडियो सेपरेट बनाई है कि इस साल किन किन लोगों को पद्म अवार्ड्स दिए गए, तो वो वीडियो आप जरूर देखें और वहां से आपको बहुत सारा आइडिया लगेगा। लेकिन पिक्चर में मैं आपको दिखाना चाहूंगा श्री श्री रविशंकर, ठीक है, ऐसे कुछ एमिनेंट पर्सन हैं जिनको कुछ अवार्ड्स दिए गए पद्म अवार्ड से रिलेटेड। ठीक है, तो पद्म अवार्ड्स में भी तीन कैटेगरी हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। तो अगर मैं ऑर्डर की बात की जाए तो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड क्या है? भारत रत्न बीआर जिसको बोलते हैं, उसके बाद आता है पद्म विभूषण का नाम, फिर आता है पद्म भूषण और फिर आता है पद्म श्री। ठीक है, तो ये पद्म विभूषण किस किस को दिए गए, कुछ और थोड़ी डिटेल करते हैं। टुडे प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी हैज प्रेजेंटेड 5 पद्म विभूषण, 8 पद्म भूषण एंड 43 पद्म श्री अवार्ड्स एट द राष्ट्रपति भवन इन न्यू दिल्ली। ठीक है, इन ये क्यों दिए जाते हैं? अगर आप साइंस लिटरेचर सोशल सिनेमा के क्षेत्र में बहुत ही उपयोगी काम करते हैं तभी ये इमिनेंट पर्सन जो दिग्गज हस्तियां होती हैं उनको ही अवार्ड्स दिए जाते हैं। फाइन, द गवर्नमेंट हैज अनाउंस पद्म अवार्ड्स फॉर 112 इमिनेंट पर्सन। टोटल बात की जाए तो 112 लोगों को अवार्ड्स दिए गए रिपब्लिक डे पर, बट टूडे 56 पर्सन हैव रिसीव द अवार्ड्स। ठीक है, नॉमिनेशन जो है वो 112 का है लेकिन अभी 56 लोगों को ये अवार्ड्स रिसीव हो चुके हैं। अब पद्म विभूषण की बात की जाए तो फाउंडर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लेट धीरूभाई हीराचंद अंबानी पॉस्थ्यूमसली इनको दिया गया। पॉस्थ्यूमसली का मतलब ये होता है कि मरणोपरांत, हिंदी में इसको बोलते हैं कि जो लोग गुजर चुके हैं उनको अवार्ड दिया जाए, उनको हम पॉस्थ्यूमस कहते हैं। फॉर्मर गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जगमोहन इनको दिया गया। आर्ट ऑफ लिविंग के जो फाउंडर हैं श्री श्री रविशंकर जी इनको ये अवार्ड दिया गया। ठीक है, इंडियन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट अवनीश कमलांकर दीक्षित और काफी लोग हैं, रिनोवेट डांसर यामिनी कृष्णमूर्ति इनको ये अवार्ड दिए गए। ठीक है, कुछ पद्म भूषण की बात की जाए, अनुपम खेर जी हैं, साइना नेहवाल हैं, ठीक है, ये बहुत इमिनेंट लोग हैं। साइना नेहवाल आपको पता है स्पोर्ट्समैन है और ये सिनेमा जगत में एक्टर हैं। एक्टर अनुपम खेर और बैडमिंटन स्टार हैं साइना नेहवाल, इनको दिया गया। फॉर्मर कैक विनोद राय, ठीक है, विनोद राय को ये अवार्ड दिया गया। विनोद राय एक कंट्रोलर ऑडिटर एंड जनरल बोलते हैं इस पोस्ट को, जो कैग की पोस्ट होती है CAG, ये पहले रह चुके हैं इस पोस्ट पर विनोद राय जी। कंट्रोलर नहीं होता है, बहुत लोग कंफ्यूज आते हैं, कंट्रोलर होता है COMPTROLLER, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। ठीक है, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं पलोन जी स्वरूप मिस्त्री, ठीक है, और आर्किटेक्ट हैं हाफिज सौरभ कॉन्ट्रेक्टर, इनको दिया गया। और ये अब लिस्ट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। फाइन, पद्मश्री, ऐसे ही पद्मश्री दिया गया, 43 अवार्ड सीज़न, लेकिन कुछ मेन मेन है वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। अजय देवगन, एक्टर अजय देवगन है, इनको दिया गया। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अजय देवगन जो है वो रिसेंटली अभी कौन सी एक टैबैको एंड निकोटीन कंपनी है जिसका एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, तो ये कर रहे हैं बिमल पान मसाले का। ठीक है, ये इसका ऐड भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनको अवार्ड दे दिया गया। पता नहीं, हमारे देश की यही तो विडंबना है कि जो लोग मतलब कैंसर बना रही है ये चीज, फिर भी इसका एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं और उसके बावजूद भी इनको ये चीज दिया गया।
देखते हैं, एक्टर अजय देवगन को पद्मश्री दिया गया, फिल्म मेकर मधुकर आर भांड्रीकर इनको दिया गया, और ये लिस्ट जो है ये आप पूरी यहां से देख लीजिएगा, ठीक है। द रेस्ट ऑफ द अवॉर्डीज इंक्लूडिंग सुपरस्टार रजनीकांत, एक्टर प्रियंका चोपड़ा एंड टेनिस स्टार सानिया मिर्जा विल बी गिवन द ऑनर एट सेपरेट फंक्शंस टू बी हेल्ड नेक्स्ट मंथ, ठीक है। अब अगर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बात की जाए, मैं आपको बता रहा हूँ पद्म अवार्ड से रिलेटेड एक मैंने वीडियो सेपरेट बनाई है, वो आप प्लेलिस्ट में स्टैटिक जीके में देखिए, वहां पर आपको मिलेगी और आप काफी कुछ वहां से सीख सकते हैं, ठीक है। हॉकी इंडिया एनुअल अवार्ड्स जो है उसमें श्रीजीत एंड दीपिका ने जीता है हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड, ठीक है। ये श्रीजीत हैं और ये हैं दीपिका, इन्होंने हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है हॉकी इंडिया एनुअल अवार्ड्स में, ठीक है। द बेस्ट हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया एंड फॉर्मर ग्रेट थ्रू द गेम कम टूगेदर फॉर द अवार्ड हूज टोटल प्राइज मनी वॉज एक्सेसिस ऑफ 2 करोड़ रुपीज, ठीक है। नेशनल फिल्म अवार्ड्स अमिताभ बच्चन कंगना रनौत एंड बाहुबली विंस। देखिए NFA नेशनल फिल्म अवार्ड्स में बाहुबली को अवार्ड दिया गया है और साथ में अमिताभ बच्चन और कंगना रनौत ने भी कुछ चीजें इसमें जीती हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं बेस्ट फिल्म की, बाहुबली है। बेस्ट डायरेक्टर संजय लीला भंसाली बाजीराव मस्तानी के लिए, और बेस्ट एक्टर जो है वो मिला है अमिताभ बच्चन के लिए पीकू पिक्चर के लिए, ठीक है। और बाजीराव मस्तानी बेस्ट फिल्म है और ये है बेस्ट डायरेक्टर संजय लीला भंसाली, ठीक है। बेस्ट एक्ट्रेस किसको मिला है, कंगना रनौत को तनु बैट्स मनु रिटर्न्स के लिए, और इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर द बेस्ट डेब्यूट फिल्म ऑफ अ डायरेक्टर नीरज ज्ञान मशान के लिए, ठीक है। बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट ये है बजरंगी भाईजान को दिया गया है, सलमान खान की पिक्चर थी, कबीर खान का यह प्रोडक्शन था। और बेस्ट कोरियोग्राफी किसको दिया है, रेमो डिसूजा, ठीक है। कोरियोग्राफर वो होते हैं जो डांस सिखाते हैं लोगों के लिए, ठीक है। और बेस्ट मलयालम फिल्म कौन सी है, पार्टी मारी, ठीक है, ये बेस्ट मलयालम फिल्म है, इसको भी दिया गया। और तमिल फिल्म कौन सी है, बिसार नई, ठीक है। और बेस्ट संस्कृत फिल्म क्या है, प्रिया मानसम, इसको भी दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड्स बात करते हैं एवेंचुरिस की। एवेंचुरिस का मतलब होता है कि ऐसे लोग जो अभी रिसेंटली गुजरे हैं, गुजर गए हैं, उनके बारे में बात करते हैं। ऑस्कर विनिंग एक्ट्रेस पैटी डुके हैज पास्ड अवे, इनको ऑस्कर अवार्ड्स मिल चुका है और ये इनका नाम है पैटी ड्यूक, ठीक है। और ये अभी रिसेंटली गुजरी है, 69 ईयर्स ओल्ड थी, इस अवस्था में इनका देहांत हो गया। और सी वन द ऑस्कर फॉर प्लेइंग हेलेन केलर इन द मिरेकल वर्कर इन 1963, 1963 में इनको ऑस्कर अवार्ड दिया गया। अब बात करते हैं रिनाउंड ऑथर जिम हैरिसन हैज पास्ड अवे, ये हैं जिम हैरिसन, जिनका नाम है JH से इनको मैं बताऊंगा, जिम हैरिसन, और इनका भी रिसेंटली पास्ड अवे ये हो गए हैं। द ग्रेट राइटर्स इन कंटेम्परेरी अमेरिकन फिक्शंस, जो भी अमेरिका की फिक्शंस मूवी, फिक्शियस मूवी वो होती है जो बिल्कुल पूरी तरह से काल्पनिक हो, जिनकी कोई भी सत्यता ना हो, उनमें ये महारत हासिल थी इनको। और ये एरिजोना पैटगोनिया में इनके होम पर डेथ हो गई और ये 78 वर्ष के थे, ठीक है। ये ऑथर और पोएट दोनों थे, तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि जिम हैरिसन जो है वो अभी कहाँ एक्सपायर हुए और किस फील्ड से बिलोंग करते थे। तो ये थे, ऑथर भी थे, पोएट भी थे और ये फिक्शियस चीजें लिखते थे, ठीक है। गैरी शैंडलिंग, ये हैं गैरी शैंडलिंग, ये कॉमेडियन थे और एक्टर भी थे, अब इनकी अब ये नहीं रहे, ठीक है। और इन्होंने कुछ ड्रामा शोज में भी काम किया है, बहुत फेमस वो हुए हैं, गैरी शैंडलिंग द फेमस कॉमेडियन हु वॉज बेस्ट नोन फॉर हिज फॉक्स डॉकू ड्रामा एंड द शो इट्स गैरी शैंडलिंग्स, ठीक है। अब ये 66 साल की उम्र में ये नहीं रहे। फुटबॉल लीजेंड जॉन कैरफ पासेस अवे, ये फुटबॉल के लीजेंड है और इनका नाम है जॉहन कैरफ, अभी ये रिसेंटली पास डबे हुए हैं, कैंसर से इनकी मौत हो गई, 68 साल के ये थे। मिस्टर कैरफ हैज रिसीव द बर्ड्स प्लेयर ऑफ द ईयर
ऑन द थ्री ओकेजंस 1971, 73 एंड 74। तो आप सोच सकते हैं कितने स्पोर्ट्स में महान खिलाड़ी थे फुटबॉल के। क्वेश्चन ये आ सकता है कि जोहान कैरफ जो अभी रिसेंटली पास हुए हैं ये किस चीज से संबंध रखते हैं, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी या वॉलीबॉल। तो आपको सही ऑप्शन चूज करना है फुटबॉल। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं काढ़ा प्रशारंगम, मैस्ट्रियो एंड एक्टर बी डी राजप्पन पास डबे। ठीक है, ये इनका नाम है, दो लोग अभी बेसिकली पास डबे हुए हैं और कोट्टयम में थे, 70 साल की अवस्था में इनका देहावसान हो गया। ठीक है, इनकी मौत जो हुई है। और ये केरला के पॉपुलर काठमगम स्टोरी टेलिंग जो है आर्टिस्ट है और मलयालम फिल्म एक्टर, मेनली नोन फॉर द कॉमिक रोल्स, कॉमिक रोल्स के लिए जाने जाते हैं। सो फ्रेंड्स, इट्स ऑल अबाउट द मार्च मंथ। वी विल ऑल्सो पोस्ट अ बूस्टर, इट विल कंसिस्ट ऑफ अप्रॉक्स टू पार्ट। ठीक है, दो पार्ट में मैं मार्च के बूस्टर को डालूंगा, उसमें मैं कुछ वन लाइनर डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन आपके सामने लाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।